Hello everyone, I'm Dr. Shweta Amit Bhandari. Thank you for participating in this 11 days gratitude challenge. And thank you कि आप अपना commitment दिखा रहे हो अपने सारे task करके photographs डाल के उनको भेज के आपके जो work related love letters थे वो सारे इतने fabulous थे read करने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा था. So thank you so much for participating in this 11 days gratitude challenge. जैसे हम लोगों ने अलग अलग डेज पे अलग अलग चीजों को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, जैसे फर्स्ट डे पे लाइफ को, सेकंड को इकोसिस्टम को, थर्ड को एलिमेंट्स दैट गिव यू लाइफ जैसे फूड एंड वाटर, फोर्थ दिन पे ग्रैटिट्यूड टू हेल्थ, फिर ग्रैटिट्यूड टू वर्क, ग्रैटिट्यूड टू मनी, और आज है हमारा 7 डे ग्रैटिट्यूड टू रिलेशंस. जैसे हम लोग जो है हमारा जो कैरेक्टर है, बोलने का तरीका, बिहेवियर पैटर्न, वो मोस्टली जैसे जिम रॉन बोलते हैं, उनका एक बहुत फेमस कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद. और जैसे अभी उसकी बारे में रिसर्च पढ़ी है तभी पता चला है कि जस्ट टाइम नहीं, आप अगर सराउंडेड भी हो कुछ ऐसे लोगों से, आप जिनसे इन्फ्लुएंस्ड हो, जिनसे सबसे ज्यादा बात करते हो, कनेक्टेड हो, तो इनडायरेक्टली आप वैसे ही बनते जाते हो. सो यू आर काइंड ऑफ दोज 5 पीपल्स अराउंड यू, उनका इन्फ्लुएंस आप पे सबसे ज्यादा है, तो चूज वाइजली. वैसे ही हमारे सारे रिलेशनशिप रहते हैं. जैसे इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था ओबेसिटी से. जैसे एक रिसर्च में फाइंड आउट हुआ कि अगर आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग जिनसे आप इन्फ्लुएंस्ड हो, जिनसे आप बात कर रहे हो, जिनसे आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, अगर वो पर्सन ओबेस है तो इनडायरेक्टली आपके 45% चांसेस बढ़ जाते हैं ओबेस होने की तरफ. ठीक है, यू आर लाइकली टू बिकम ओबेस 45% मोर. तो वैसे ही अगर वो पर्सन आपसे ज्यादा ना बातचीत नहीं करता है बट आपसे बहुत कनेक्टेड है, वो आपसे दूर रहता है कहीं पे, तो भी अगर वो ओबेस है तो आपके 20% चांसेस बढ़ जाते हैं ओबेस होने के. वैसे ही एक आधा पर्सन है जिससे आप कम बातचीत करते हो, थोड़े कम कनेक्टेड भी हो, बट कोई ना कोई भी में उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो, तो आपकी 10% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ओबेस होने के अगर वो भी ओबेस है. तो आप समझिए अगर फिजिकल लेवल पे इतना अफेक्ट होता है तो माइंडसेट पे कितना अफेक्ट होता होगा. तो चूज दोज पीपल वेरी वेरी वाइजली. एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आपकी लाइफ एक बोट की तरह है तो वो बोट को चलाने के लिए या प्रोग्रेस आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करती है, जैसे विंड है या उसके जो चीज से वो बनी हुई है. उसके अलावा जो समझो अगर आप अपनी बोट को कुछ एनिमल्स या फिशेस के साथ टाई करते हो तो वो फिशेस आगे बढ़ती है, आपकी बोट को भी आगे आगे खींचती है. तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है आगे लेके जाने के लिए. आगे किस तरफ, एक समझो एक आइलैंड है, आइलैंड इज नथिंग बट जो गोल, जो जिसके इंटेंशन, जिस पर्पस के लिए आप वर्क कर रहे हो उसकी तरफ ले जाने के लिए आपको हेल्प करती है. उसके जैसे ही एक बोट में एंकर लगा हुआ रहता है या कुछ वजन अगर बोट में ज्यादा हो तो वो बोट की स्पीड को कम कर देगा. उसके अलावा अगर एंकर है तो एंकर क्या काम करता है, अपने को हेल्प करता है बोट को पार्क करने के लिए. अगर आप एंकर कहीं पे भी सी में भी डालोगे तो वो आप बोट को वहीं पे रोक देगा. तो वैसे ही कुछ कुछ चीजें हमारी लाइफ में एंकर की जैसे काम करती है. सो आप सोचिए कि आपके लाइफ में सिंस योर बर्थ टिल टूडे ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको पुल करते हैं, पुल करते हैं आपकी गोल्स की तरफ. आप जो आज हो आप कोई ना कोई वे में उनकी वजह से हो, राइट? तो ऐसे क्या फैक्टर्स या क्या क्या लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको पुल किया है, उस आपकी पूरी लाइफ के जो अचीवमेंट्स है उनके लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है? कोई ना कोई लोग तो होंगे जिन्होंने आपके लिए अलग अलग सेक्रीफाइस किए, या आप जो आज हो वो कहीं ना कहीं शायद उनका गोल होगा आपको ऐसा बनाना. तो ऐसे कौन लोग है उनको रिकग्नाइज कीजिए. उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग आपके लाइफ में होंगे एंकर की तरह, एंकर जो आपको जैसे स्लो डाउन करता है, पुल डाउन करता है आपकी लाइफ की बोट को, स्लो करता है गोल्स की टूवर्ड्स जाने के लिए, या आपको पुल बैक करता है. जैसे कोई लोग हो गए जिनकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, कोई लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं. तो ऐसे कोई लोगों को रिकग्नाइज कीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको उनके लिए बहुत एंकर, हेटरेड, निगेटिव वाइब्स है मन में, उनकी एक लिस्ट बनाइए. जैसे मैंने आपको बोला कुछ लोगों को आप हेट करते हो या उन्होंने आपको बहुत परेशान किया, हर्ट किया है, तो वो लोग आपको एंकर नहीं है बट उनसे रिलेटेड आपके मन में जो इमोशन है. जैसे आप ये बोट को देखिए तो जैसे
जो लोगों ने आपको पुल किया है उनके लिए आपके मन में क्या होगा, आभार होगा, राइट? या कुछ लोगों ने आपको मोटिवेट किया है तो उनकी वजह से आपको लाइफ का पर्पस मिला है, तो ये दो तीन चीजें क्या करती है, आपके बोट को पुल करती है। वैसे ही ये जो लोगों को लेके आपको हर्ट हुआ है, हेटरेट है, एंगर है, या क्रिटिसिज्म उन्होंने दिया है तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, तो इनडायरेक्टली वो आपकी बोट के लिए एक एंकर की तरह है जो उसको पुल डाउन करता है, जो उसकी पेस को स्लो करता है। तो उनके रिलेटेड जो मन में आपकी इमोशंस है ना, तो वो आप पे वर्क करते हैं आपकी लाइफ को स्लो करने के लिए। एक थॉट देके देखिए, इमेजिन कीजिए अगर जो लोगों ने आपको हेल्प किया है, आपको पुल किया है आपकी लाइफ में, वो दो तीन लोग अगर लाइफ से गायब हो गए, तो अभी आप सोचिए ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ये जो हमारा सेक्टर है जिसपे आज हम लोग बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप जैसे हेल्थ अफेक्ट हुई थी, वैसे ही मनी जैसे अफेक्ट हुआ था, सिमिलरली थर्ड जोन वाज रिलेशनशिप जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था। वो क्यों? क्योंकि सब लोग एक जगह पे पैक हो गए थे। जैसे आप बच्चे देखोगे, उनका रिलेशनशिप उनके स्कूल के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ कम हो गया, राइट? वैसे ही तो वो उनमें कुछ कुछ अलग रिएक्शन आए, चिड़चिड़े, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस का। तो वैसे ही कुछ लोग घर से काम कर रहे, तो अपने कलीग्स के साथ या जो उनकी वर्किंग कैपेसिटी थी उसमें भी अपने आप से चेंजेस आए, तो उनका रिलेशनशिप अपने वर्क के साथ चेंज हो गया। कोई जो लेडी ऑलरेडी घर पे काम कर रही थी तो उनका बर्डन बढ़ गया ये सारे लोग घर पे रहने की वजह से। इनडायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है, और दोनों की बॉन्डिंग, जो हस्बैंड वाइफ या बाकी रिलेटिव्स जो घर में, उनकी बॉन्डिंग में एक तो ग्रोथ हुई है या तो वो कम हो गए कहीं ना कहीं साथ में रह रहे की एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। सोसाइटी के साथ जो आप बाहर जाते हो, गेट टूगेदर्स करते हो, तो अपने आप से आपके रिलेशन अलग अलग लेवल पे अफेक्ट हुए। और वही पैंडेमिक में कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कम्प्लीटली जैसे हेल्थ उनके डिटोरिएट होके वो गायब हो गए, गायब यानी मर गए। तो आप सोचिए जो आपकी लाइफ में आपके लिए सेक्रीफाइस जो लोगों ने किए, जिन लोगों ने आपको पुल किया है, जिन लोगों ने आपको मदद की है, मोटिवेट किया है, जो सबसे ज्यादा आपके जो फेवरेट लोग हैं जिनके आपने अभी लिस्ट बनाई थी, वो ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए, तो आपको कैसा फील होगा? बुरा लगेगा, राइट? तो बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि आपने कभी टाइम ही नहीं लिया उनको ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए। तो दिस इज द मोमेंट, आज आप टाइम निकालिए। आज आपको टाइम निकालना है क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में कोई ना कोई वे का एक डिफरेंस लाया है। जो आप आज हो वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से हो। तो आज आप एक टाइम निकालिए। जैसे आपको अभी लेटर लिखने की तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो गई, क्योंकि आपने बहुत ब्यूटीफुल लेटर्स लिखे हैं टोवर्ड्स लव लेटर, टोवर्ड योर वर्क। तो वैसे ही आज एक लेटर लिखिए फॉर अप्रिसिएशन, फॉर फीलिंग ग्रेटफुल टोवर्ड्स दोज पर्सन जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक डिफरेंस हुआ है। आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, यू हैव इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ इन सच अ पॉजिटिव वे, वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस माई अप्रिसिएशन, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। या तो आप लिख सकते हो, आई एम थैंकफुल टू दोज स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ हू सपोर्ट मी, अपलिफ्ट मी, कम्फर्ट मी एंड ब्रिंग जॉय टू माई सोल। तो ऐसे ही कुछ लेटर्स आपको लिखने हैं। आपको उनकी कोई मेमोरी याद आती है, उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस आपके लिए किए वो टाइम का आपको कुछ याद आता है, उनके वर्ड्स कुछ याद आते हैं, आपको कुछ ह्यूमर वाली कुछ इंसिडेंसेस याद आती है थ्रू आउट योर जर्नी, उन्होंने किस वे से आपको मोटिवेट किया, उनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया, उसके लिए आप उनको कैसे क्रेडिटेबल फील करते हो। आप ये सारी जो चीजें है ना, इनको एक बुक में, ये पेपर पे अगर नोट डाउन करते हो ना, जैसे मैंने कल आपको बोला कि अगर आप कोई पर्सन को अप्रिशिएट करते हो तो आप वो एक सिचुएशन की एक दिमाग में मेमोरी बना लेते हो, बट वही अगर आप एक पेपर पे लिखते हो तो वो सामने वाले के लिए एक ट्रेजर बन जाता है। तो टुडे मेक दैट ट्रेजर फॉर दैट पर्सन। या अगर आप नहीं लगता है कि आपको लिखना चाहिए तो आप उसका एक वीडियो बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो भी डिफिकल्ट है तो आप ऑडियो बनाइए, बट डेफिनेटली एक फॉर्म ऑफ कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए बनाइए ताकि वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहे। तो ये जब आप बनाओगे उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है कि आपको उनको कॉल करके ये चीजें बतानी है। आपको क्या करना है, उनको कॉल करना है। जब वो कॉल पे आ जाते हैं तभी आपने ये जो लेटर लिखा है आपको वो लेटर सिर्फ उनको पढ़ के सुनाना है। आपको दूसरी कोई बात ऐड नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आप उनको बोलोगे आप चुप रहिए क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ लिखा है स्पेशल, तो जस्ट हियर इट। तो आप जब वो लेटर पढ़ोगे ना तभी आपको जो फीलिंग आएगी, तो वो जो एक्सप्रेशन है, जैसे कोई आपको अगर ग्रैटिट्यूड देता है तो आपको अच्छा तो लगता है, बट जब आप दूसरे किसी को ग्रैटिट्यूड देते हो तब आपको कैसा फील होता है, तो वो आज वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उसको आपको हम जो ग्रुप में शेयर करना है।
अभी जैसे ये ग्लास है आपके सामने, ठीक है, वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये ग्लास है आपके सामने, जस्ट गेस कीजिए कि इसका वेट क्या होगा. राइट, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ ग्लास और पानी अलग अलग नहीं, ग्लास और पानी एक साथ में. राइट, 250 ग्राम्स, 300 ग्राम्स. राइट, तो जैसे आप ये सारी चीजें गेस वर्क कर रहे हो, तो जैसे आप कभी फन फेयर में गए होगे तो आपने वो गेम देखा होगा ब्रिक पकड़ने का, वो ब्रिक भीगी हुई ब्रिक रहती है, तो आप जितनी ज्यादा देर उसको होल्ड करते हो तो उतना आपको प्राइजेस मिलते हैं. राइट, तो वैसे ही ये ग्लास का वजन मैटर करता है कि आप उसको कितनी देर होल्ड करने वाले हो. अगर यही 250 ग्राम्स या 300 ग्राम्स का ग्लास अगर आप आधे घंटे के लिए होल्ड करोगे ना, तो आपको वो वजन ज्यादा फील होने लगेगा. तो टाइम के साथ भी ये मैटर करता है कि आप कितनी देर उसको होल्ड कर रहे हो. सिमिलरली आप अपने माइंड में किस तरीके की इमोशंस को होल्ड कर रहे हो. जैसे मैंने आपको हेल्थ वाले सेक्टर में सिखाया था कि आपकी इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी. राइट, और सब कुछ अगर आपके आजू बाजू एनर्जी से चल रहा है, जैसे कल हम लोगों ने जैक कैनफील्ड की स्टोरी देखी, जब भी वो अपने इमोशन को अपने चेक को विजुअलाइज करते थे तो है ना व्हाइट लाइट निकल रही थी उनमें से, तो दैट वॉज नथिंग बट एनर्जी. तो आप एनर्जी से चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, आप एनर्जी से ड्रिवन हो, आपकी बॉडी एनर्जी से चल रही है, तो आप जो कुछ भी इमोशंस, जैसे आपने हेल्थ वाले सेक्टर में देखा था ट्रैप्ड इमोशन, कि जो भी इमोशन 70,000 थॉट जो 24 आवर्स में आते हैं, राइट, तो उसमें से जो भी स्ट्रांग इमोशन आपको फील होते हैं वो आप उनको होल्ड करके रखते हो. तो टुडे इज द टाइम टू फाइंड आउट कि आप किस इमोशंस को होल्ड करके हो, क्योंकि वो लोग से ज्यादा वो लोगों को लेके जो इमोशन आपके मन में रह गया है, जो हर्ट हेट्रेड एंगर आपके मन में रह गया है, वो आपकी लाइफ में एंकर के जैसे काम करता है. आप सोचिए अगर आपकी बोट, ये थॉट्स, ये सारे इमोशंस इज नथिंग बट एनर्जी, तो आपकी बोट हैवी 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 होती जाएगी, आपका वो एंकर और डीप जाते जाएगा और आपकी जो बोट है उसका पेस स्लो हो जाएगा, तो आपकी गोल्स अचीव करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी. जैसे टुडे इज द टाइम, सोचिए उस चीज के बारे में. जैसे ये एक एग्जाम्पल मैं आपको मेरा देती हूँ. जैसे मुझे मेरे शादी का प्रपोजल, जिस पर्सन से अभी मैंने शादी की वो 6 महीने पहले आया था, तो मैंने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया था. राइट, बट उसी प्रपोजल को जैसे मैं बोल रही हूँ कि जैसे लाइफ में मैंने अपने सोलमेट को लेके एक अलग इमेज बनाई थी. जैसे वो टाइम पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती थी, तो मैं वो सारी चीजें यूज कर रही थी टू अट्रैक्ट अ पर्टिकुलर पार्टनर टू मी. क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का. मैं एक सोलमेट करके वर्कशॉप लेती हूँ जिसमें आपको समझा, अगर आप एक क्लॉथ भी लेते हो ना, तो आप कितनी सारी क्लॉथ्स को देख के एक ड्रेस सिलेक्ट करते हो. तो आप सोचिए एक सोलमेट जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली एक डिफरेंट पिक्चर देने वाला है, तो उसके लिए आपने कितना थॉट देना चाहिए. तो जब ये मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रही थी, तो मैंने अपने घर को लेके एक अपनी इमेज बनाई थी कि मेरा घर मुझे कैसा चाहिए, मेरे लोग मेरे को कैसे चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए. तो वो इमेज को कोई भी चीज मैच नहीं हो रही थी जब मेरे को अलग अलग प्रपोजल आ रहे थे. और जिस पर्सन से मैंने शादी की उसका भी प्रपोजल जब आया था, तभी वो रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि तभी वो थॉट आया ही नहीं था दिमाग में, या कुछ अलग थॉट्स चालू थे दिमाग में. बट जब जैसे वही टाइम पे ये जब मुझे पता चला कि लाइफ में हमारे कुछ एंकर्स रहते हैं. अभी ये गोल शादी का मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, बीइंग अ डॉक्टर वहीं पे मेरी प्रैक्टिस सेट होगी जहाँ पे मेरी शादी होगी, तो तब तक ना मैं मेरा करियर बना सकती हूँ ना पैसे, तो बाकी सारे जोन्स मेरे ये डिसीजन पे रुके हुए थे. तो दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर मी. तो जैसे मेरा वो, मैं सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सब कुछ अप्लाई कर रही थी, सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस वो भी अप्लाई कर रही थी, बट कुछ नहीं हो रहा था, कुछ मेरे को जैसा चाहिए वैसी चीजें नहीं हो रही थी. तो तभी मुझे ये चीज के बारे में पता चला आपकी लाइफ में क्या एंकर करना है. तो जैसे वो टाइम पे जब मैंने इस टेक्निक पे वर्क किया, तो मेरे लाइफ में एक एंकर था, मेरे एक रिलेटिव के बारे में मेरे को बहुत एंगर था, इतना एंगर कि मैं वो रिलेटिव से 2 साल तक बात ही नहीं कर रही थी. तो ऑल ऑफ अ सडन जब मुझे लगा शायद ये मेरा इमोशन एंकर हो सकता है, तो मैंने क्या किया कि मैंने वो पर्सन से जाके बात की. ठीक है, बात की यानी क्या, मैंने ये सॉर्ट ऑफ नहीं किया कि ये गलत है या मैं गलत हूँ या क्या हो गया या तुमने ऐसा क्यों बोला. रादर देन डूइंग दैट, मैंने एक कॉन्वर्सेशन उनसे स्टार्ट किया जो मैंने 2 साल से नहीं किया था. तो मैंने उनसे इजीली बात करना शुरू किया, हाउ आर यू, व्हाट इज गोइंग ऑन, और धीरे 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 करके जितनी मीटिंग्स होती गई उतने उतने हमारा बॉन्ड वापस बैक टू नॉर्मल हो गया. और तभी मुझे एक थॉट आया, अरे फालतू ही मैं ये सब थॉट को लेके बैठी थी. तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, मैंने वो एंकर को मेरे लाइफ से रिजॉल्व किया.
और जैसे ही मैंने वो एंकर को रिजॉल्व किया विद इन अ वीक सेम प्रपोजल मुझे वापस आया, तभी वो एनर्जी के साथ शायद मैं अलाइन थी इसीलिए मैंने वो प्रपोजल को यस बोला। पर अगर आप मेरे घर के इमेजेस देखोगे और जो विजन बोर्ड के मेरे इमेजेस देखोगे वो एग्जैक्टली सेम है जैसे वो बुक में थे वैसे ही, तो वो इमेजेस मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। बट आपको समझ में आया कि जब आप ये एंकर को रिजॉल्व करते हो, ये इमोशन को रिजॉल्व करते हो, तो आपका पेस आपकी गोल की तरफ क्लियर हो जाता है, आपको जो ऑब्स्टेकल लाइफ में आते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। तो आपके सेकंड टास्क में जो आपको करना है वो यही करना है कि आपकी इमोशंस को रिजॉल्व करना है। बहुत सारे लोग, हम लोग जो सारे लोग हैं वो हमारी लाइफ में चार स्टेजेस में रहते हैं। फर्स्ट इज द विक्टिमाइज स्टेज। विक्टिम यानी क्या, जो हम लोग जब बोलते हैं ना जिसके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, दैट इज द पर्सन हु इज विक्टिम। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं कितना बेचारा, मेरे साथ ही ऐसा होता है, बहुत लोग मेरे को ही बोलते हैं देखा उसने मुझे कितना हर्ट किया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ विक्टिम स्टेटमेंट्स और ये विक्टिमाइज्ड फीलिंग है। तो वो पर्सन किस जोन में विक्टिमाइज्ड। वैसे ही दूसरा जोन होता है एम्पावर्ड। एम्पावर्ड यानी क्या, आपने बहुत अच्छा एक वर्कशॉप अटेंड किया, आपने कोई वीडियो देखे, आपने कोई बुक पढ़ी, तो इनडायरेक्टली आपको एक पावर मिलती है सोचने की, एक अलग नजरिया मिलता है। तो यू बिकम एम्पावर्ड यानी आप में एक पावर आती है सिचुएशन को अलग नजरिए से देख के टैकल करने की। तो देन यू गो टू द एम्पावर्ड स्टेट। और उसके बाद क्या होता है, सरेंडर यानी क्या, सरेंडर यानी एक तो ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कार्मिक थ्योरी, या आप सिचुएशन को सरेंडर करते हो कि जो लाइफ में हो रहा है वो सही हो रहा है, या जो लाइफ में हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं। ये दोनों सिचुएशन में से आप एक को चूज करते हो कि जो लाइफ में हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ माई कर्मा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या तो जो लाइफ में हो रहा है वो मेरे हाथ में है ही नहीं तो मैं उस पर ज्यादा सोचूंगी नहीं, जो हो रहा है जैसा हो रहा है आई एम एक्सेप्टिंग। ये दोनों पॉजिटिव या निगेटिव वे से आप चीजों को सरेंडर होते हो। तो एक तो पर्सन सरेंडर में रहता है। फोर्थ इज अवेकनिंग। अवेकनिंग यानी क्या, कि आप धीरे धीरे आपका कॉन्शियसनेस इतना हाई हो जाता है कि आप अवेकन यानी, जैसे अवेकन यानी आंखें खोलना इज वेकफुलनेस है ना, अवेकन यानी आपको एक इंटरनली एक थॉट आता है ये सारी चीजों से जाके, यानी एम्पावरमेंट से, सरेंडर से जाके अवेकनिंग का एक थॉट आता है कि जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है दैट इज ऑलरेडी सेट, द मूवी इज ऑलरेडी सेट, तो मैं तो बस एक प्लेयर हूँ उसमें। तो अगर आपको ये एक अवेकनिंग आती है तो वो आप अवेकनिंग स्टेट में चले जाते हो। तो ऐसे हम सब लोग कोई ना कोई स्टेट में है, या कॉन्स्टेंटली कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग स्टेट बदलते रहते हैं। तो फाइंड आउट कि आप किस स्टेज में हो। ये फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक टेक्निक देने वाली हूँ, हीलिंग टेक्निक, जो कि एक हवाईयन डॉक्टर ने हमको दी थी। तो जिस टेक्निक में उसने क्या किया था, वो एक जैसे ना एक हवाई में एक मेंटल असाइलम था जहाँ के जो सफरर्स थे, जो मेंटल पेशेंट थे, वो इतने ज्यादा वॉयलेंट थे कि वो डॉक्टर्स को मारते थे, जहाँ पे उनको जो संभालने वाले थे उनको मारते थे। तो वहां पे है ना सबने काम करना छोड़ दिया, बट आपको एक डॉक्टर तो चाहिए क्योंकि वो असाइलम में इतने सारे पेशेंट्स थे जो मेंटली सिक थे, तो उनको संभालने वाला एक तो डॉक्टर वहां पे अवेलेबल चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो डॉक्टर था इसने एक कमिटमेंट पे ज्वाइन किया कि आई एम नॉट गोइंग टू गो पर्सनली टू ईच पेशेंट एंड चेक देम, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है, वो लोग मेरे को हार्म करेंगे। तो जो वहाँ की कमिटी थी उसने ये एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया, कि एटलीस्ट वहाँ पे एक डॉक्टर तो प्रेजेंट रहेगा इमरजेंसी में। बट धीरे धीरे विद टाइम वहाँ के सब पेशेंट ठीक होने लग गए, हील होके, जो इतने पागल थे कि लोगों को वो मारते थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, वो हील होके नॉर्मल लाइफ जीने लग गए, और धीरे धीरे वो मेंटल असाइलम ही खाली हो गया। तो वहाँ के जो नर्सेज, जो वर्कर्स थे, वो डॉक्टर के पास आने लगे कि आप ऐसा क्या करते हो कि लोग हील होके अपने असाइलम से जा रहे। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे वो डॉक्टर ने फिर अपनी टेक्निक के बारे में बताया, उसकी टेक्निक का नाम है हो ओपोनो ओपोनो टेक्निक। उसमें वो ये चार स्टेटमेंट यूज करते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। अब ये वो किस वे में यूज करते थे, आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कि You created your reality। जैसे नहीं मैंने आपको बोला था, अगर आप चार स्टेजेस में से हो तो आपको खींच के खुद को एक तो एम्पावर्ड स्टेट में लेके आना है या अवेकनिंग स्टेट में लेके आना है। अगर आप कोई भी दोनों स्टेट में हो ना, तो अगर आप, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मानते हो, तो आप ये भी मानोगे कि जो भी आपकी रियलिटी में हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपने आपके थॉट्स में क्रिएट किया है, राइट? तो आपके थॉट्स ही आपके लाइफ में आपको दिखाई दे रहे, तो इनडायरेक्टली आप क्या होगे, आप 100% एम्पावर्ड हो जाओगे। अगर आप एम्पावर्ड हो, आपको पता है जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप ही ने अट्रैक्ट किया है, तो यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज की लेते हो तो आप 100% उसको बदल भी सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल आप समझिए मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर मैंने मेरे लाइफ में गोल रखा है कि मुझे बहुत सारे कैंसर पेशेंट को ठीक करना है और अपना नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, तो अगर कभी कोई पेशेंट कैंसर की बीमारी को लेकर मेरे पास आता है तो इनडायरेक्टली उसके कैंसर के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ 1-2% के लिए, बट कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि मैंने वो पेशेंट को अट्रैक्ट किया है, राइट। तो अगर मैं वो 1-2% की जगह पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, इफ आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे पास पावर आती है 100% उसको चेंज भी करने की, राइट। तो ये वो डॉक्टर ने क्या किया, वो जो पागल लोग थे वहां के मेंटल असाइलम के, उन सब लोगों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही ये लोग ऐसे हैं। जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी आप क्या कर सकते हो, आप ये हीलिंग दे सकते हो। अभी उसने क्या यूज किया वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने क्या किया, वो पेशेंट की एक एक फाइल को लेके वो ये सारी प्रेयर बोलते थे। वो क्या बोलते थे कि वो डिवाइन से बात करते थे। डिवाइन यानी क्या, कि आप आपके ऊपर से जो भी पावर है, जिनको भी मानते हो, जैसे भगवान या हायर कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी, जिसको भी आप मानते हो, जिसमें भी आप मानते हो, तो वो उनके डिवाइन को क्या बोलते थे, टॉकिंग टू द डिवाइन, कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये क्या पैटर्न था या मैंने ये क्या थॉट दिया कि उसकी वजह से ये प्रोग्राम अट्रैक्ट हुआ या ये पर्सन इतना सफर कर रहा है, तो इसके जो सफरिंग है वो आज मुझे बुरी लग रही है, इसके लिए आई एम सॉरी कि मैं अनकॉन्शियस था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ये कब अट्रैक्ट कर लिया, अब मैं सॉरी बोल रहा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ करो, प्लीज फॉरगिव मी फॉर व्हाट मेरे एंसिस्टर ने, जैसे अगर मेरी माँ ने कोई ड्रीम देखा है कि मेरी डॉटर ने ऐसी डॉक्टर बनना चाहिए, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसने भी ये अट्रैक्ट किया, तो वो क्या बोलते, प्लीज फॉरगिव मी, शायद मेरे एंसिस्टर्स ने ये प्रोग्राम डिजाइन किया या मेरे बिलीफ से ये प्रोग्राम आया या मैं अनअवेयर थी कि ये प्रोग्राम ऐसा डिजाइन हो गया, दिस बिलीफ दैट इज शोइंग इन दिस पेपर, ये पेशेंट में जो सिम्टम्स या ये सब कुछ दिख रहा है, दैट इज बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने ही ये अट्रैक्ट किया, तो उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। फिर उसके बाद वो डिवाइन को क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर हीलिंग देम, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस, थैंक यू फॉर नॉर्मलाइजिंग दिस, थैंक यू कि आप ये प्रोग्राम को इरेज कर रहे हो, थैंक यू आप उनकी लाइफ को बेटर कर रहे हो, थैंक यू आप उनको हील कर रहे हो, थैंक यू आप उनका ध्यान रख रहे हो, तो ये सारी प्रेयर वो पेशेंट के पोर्टफोलियो को देख के बोलता था। और लास्ट में क्या बोलते थे, डिवाइन को वो बोलते थे थैंक यू, क्यों, जब आप ये सारी प्रेयर बोलते हो ना तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं वो हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हो, तो जब वो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो लास्ट में आप वो जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसमें आप क्या भरोगे, आप प्यार भरोगे, तो यू विल से आई लव यू, आई लव यू, जब आप बोलोगे तभी आप कनेक्टेड रहते हो, राइट। वो कनेक्टेड रहते थे वो पर्सन वो इसके साथ, डिवाइन के साथ, तो वो बोलते थे आई लव यू टू द डिवाइन, और बोलते थे कि थैंक यू कि अब मैं ये जो प्रोग्राम है उसको न्यूट्रलाइज कर पाया, उसको इरेज कर पाया, उसके लिए वो खुद को थैंक यू बोलते थे। तो ये सारी जब वो प्रेयर बोलते थे तो इनडायरेक्टली उसका आउटकम किस पे दिखा, वो पागल लोगों पे दिखा, वो ठीक होते गए और अपने आप से उनके पैटर्न्स रिजॉल्व होते गए। तो ये एक वे है जैसे उन्होंने हील किया वो लोगों को, वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों के साथ अपनी रिलेशनशिप को हील कर सकते हो, फिर भले ही वो पर्सन आपके सामने हो नहीं हो, जैसे उनके सामने वो पेशेंट नहीं थे फिर भी उन्होंने ये टेक्निक यूज करके उनको हीलिंग दी, या आपको कोई पर्सन हर्ट कर रहा है आप उनके साथ भी अपने बॉन्ड को ठीक कर सकते हो। आपकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम है तभी भी आप ये प्रेयर को यूज कर सकते हो, अगर आपके लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अपने रिपोर्ट्स को ऐसा यूज कर सकते हो। तो आपको टेक्निक में करना क्या है, आपको एक हार्ट का कटआउट बनाना है, एक सिंगल हार्ट आउट का कटआउट, उसके सेंटर में ये प्रेयर लिखनी है और उसके ऊपर ऐसे लोगों के फोटो स्टिक करने हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आप उनको भी हीलिंग दे रहे हो। ऐसे लोगों के फोटो भी स्टिक कर सकते हो जिनके लिए आपके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है और आप लोगों को उनके साथ अपने बॉन्ड को ठीक करना है या रिजॉल्व करना है या खत्म कर देना है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है अपने ब्रेन से, तो आप कभी भी ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। थर्ड, अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज है तो आप कोई मनी के नोट को स्टिक करके उनके साथ, यानी ये टेक्निक से आप बॉन्ड को अच्छा करते हो, तो आप समझिए आप मनी के साथ खुद का बॉन्ड को ठीक कर रहे हो। उसी के साथ साथ अगर आपके स्कूल में मार्क्स कम आते हैं, कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं, तो भी आप उसके साथ भी ये टेक्निक यूज कर सकते हो। अगर आपके हेल्थ में कोई इश्यूज है, आपको रिपोर्ट्स में आपके कुछ चेंजेस चाहिए, वहां पे भी आप ये टेक्निक को यूज कर सकते हो रिपोर्ट्स को स्टिक करके। तो
आप अलग अलग वे में ये टेक्निक को यूज कर सकते हो। आपको एक ही हार्ट का कटआउट बनाना है, उसके सेंटर में ये प्रेयर लिख के आपको वो सारी चीजों को उधर स्टिक करना है। एक ही हार्ट के अंदर आप बहुत सारी चीजों को भी स्टिक कर सकते हो एक साथ में। और आप जब इससे कनेक्ट, आपको क्या करना है, ये बनाने के बाद रोज सुबह जब आप उठते हो तो आपको एक मोमेंट देना है, वहां पे खड़े होके आप ये हीलिंग प्रेयर जब बोलोगे तो आप प्रेयर वो पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहे हो, आप डिवाइन को बोल रहे हो कि ये सब कुछ जो मेरे सामने है, तो आप डिवाइन को बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। तो इनडायरेक्टली आप सबको एक साथ हीलिंग दे सकते हो, एक एक को करने की जरूरत नहीं, आप सबको एक साथ हीलिंग दे सकते हो। तो आपको आज ये टास्क करना है, सेकेंड टास्क। पहला था कि आप जिसके लिए ग्रेटफुल हो उनके लिए लेटर लिखना है, उनको कॉल करके वो लेटर सुनाना है। थर्ड, आपको ये हार्ट बनाना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इंस्टेंटली रिजॉल्व करना है, जैसे मैंने रिजॉल्व किया था, आपके लिए आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी उसको पाना है, तो आप ये हीलिंग और फास्ट कर सकते हो उनको कॉल करके, उनसे बात करके। या तो फिर आपको लगता है वो पर्सन से बात नहीं हो सकती है या अच्छा नहीं होगा वो पर्सन से बात किया तो बात और बड़ी हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो पर्सन से बात करने की जगह पे आप मिरर के सामने उसको इमेजिन करके, पहली बात तो आप अपने मन में जो है वो सब कुछ बोल दो, मतलब आप खाली हो जाओगे। जब कब खाली होता है तभी आप उसको भर सकते हो। तो आप भरोगे किससे, ये आप हीलिंग प्रेयर से भर सकते हो। ये जो मैंने होपोनोपोनो आपको बताई, आप उसकी प्रेयर बोल के हील कर सकते हो वो रिलेशन को। उसके अलावा आपको भी कुछ आती है तो आप वो यूज कर सकते हो, आप एक आधा मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप ये टेक्निक जब करते हो तभी अगर आपका हेडेक होता है, आपको अनइजीनेस लगता है, आपको फीवर लगता है, तो सॉल्ट वाटर से बात करना, या तो फिर आप अपने फोरहेड को जमीन पे टच करना, तो इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। या आप जिस भी डिवाइन में मानते हो उनके पास एक 5 मिनट स्पेंड करना, जैसे हमने ट्री हगिंग टेक्निक की थी, आप वो कर सकते हो। आप नेचर में जाके बैठ सकते हो, आप ट्री को हग कर सकते हो, या तो आप इससे भी नहीं रिजॉल्व होते तो आप एक मेडिटेशन हीलिंग का जो मैंने आपको सेंड किया था तो वो प्ले करके खुद को हील आउट कर सकते हो, ग्राउंड कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये टेक्निक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपनी गोल्स अचीव करने के लिए। और सिमिलरली आप, मैंने जैसे आपको हेल्थ सेक्टर में बताया था लुईस हे की स्टोरी, कि लुईस हे ने जैसे आपको बताया था कि अपने इमोशंस कहीं ना कहीं आपके फिजिकल पे अफेक्ट करते हैं, वो ट्रैप्ड एनर्जी के फॉर्म में आपके फिजिकल को अफेक्ट करते रहते हैं। तो दिस इज द टाइम जब आप ये रिलेशनशिप को हील करोगे ना, तो इनडायरेक्टली आप अपने जो व्हील ऑफ लाइफ में हर एक सेक्टर को कहीं ना कहीं एनर्जी दे रहे हो, हीलिंग दे रहे हो। तो डू दिस टास्क, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके गोल्स अचीव करने के लिए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, उसकी गलती थी, बट आपको समझ में आया। आप सोचिए आपको आज इनको सॉरी बोलना है, या फ्यूचर में जब ये इमोशन की वजह से आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी फैमिली सफर करेगी, या आपके बिजनेस में ऑब्स्टेकल आएगा, आपको पैसे नहीं मिलेगी, फिर भी आप और आपकी फैमिली सफर करेगी, उसके अलावा आपको जो गोल्स चाहिए, आपको जो अचीवमेंट्स चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, तो भी आप सॉरी फील करोगे। आपको ये सेक्टर्स में सॉरी फील करना है, ये पर्सन को सॉरी फील करके अपनी बॉन्ड को क्लियर करना है, दैट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन कि आपको क्या करना है। नाउ अंडरस्टैंड कि आप ये जो इमोशनली रिजॉल्वमेंट कर रहे हो सब चीजों की, ये आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, ना कि उनके लिए। तो आप जब खुद के लिए कर रहे हो तो अपने ईगो को आप साइड में रख दीजिए और फिर ये हीलिंग टेक्निक कीजिए, क्योंकि भले ही आज वो आपको समझे, देखा इसने ही आके फाइनली सॉरी बोला, भले आज वो ऐसा समझे, बट जब आपको उसके इफेक्ट्स आएंगे ना, तो अपने आप से आपको अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट मैंने ये चीज रिजॉल्व की। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि दिस सॉरी विल रियली हेल्प यू। जैसे कोई भी मशीन, कोई भी चीज आप खरीदते हो, सिंपल फोन भी आप खरीदते हो, तो उसके साथ डूज एंड डोंट्स आते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारे सेशन का ये है कि हम जब पैदा हुए थे तभी हमारे साथ कोई भी डूज एंड डोंट्स नहीं आए थे साथ में, कि हमने क्या करना चाहिए। अगर कोई चीज आपने नहीं करनी चाहिए और वही वो आप प्रोडक्ट के साथ करते हो तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट एक तो डैमेज हो जाता है या परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वही हमको हमारे रिलेशनशिप में पता ही नहीं कि हमने कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता है, कभी कभी कोई हर्ट हो जाते हैं, या कभी कभी परमानेंटली भी डैमेज हो जाता है। तो
तो टुडे इज द टाइम टू फॉर्म योर डूज एंड डोंट्स. कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस से जैसे ना केस टेकिंग में मुझे जो समझ में आया बीइंग अ डॉक्टर या लाइफ की एक्सपीरियंस से या बुक रीडिंग से जो भी मुझे समझा है उसका मैंने इसमें कुछ डाला है. बट उसके अलावा आपको जो समझता है आपके जो डूज एंड डोंट्स है वो भी आप फॉर्म कीजिए. दिस इज जस्ट अ एडवाइस या एक ब्लू प्रिंट. आप उसके ऊपर से आप खुद का एक स्ट्रक्चर खुद बना सकते हो. तो जो आपको इसमें से बेस्ट लगे डू चूज फ्रॉम दिस. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर सेशन टुडे, डूज एंड डोंट्स ऑफ रिलेशनशिप. अभी हाउ डू यू रिकॉग्नाइज डूज एंड डोंट्स ऑफ रिलेशनशिप? फर्स्ट तो आप खुद एक्सपीरियंस करते हो. सेकंड आप सीखते हो. सीखते कैसे हो? जैसे समझो एक पर्सन चल रहा है, रास्ते में खड्डा आया, वो गिर गया, तो आपको क्या सीखने मिला कि जब आप नेक्स्ट टाइम आप वो रस्ते से जाओगे तो आप संभल के जाओगे. वैसे ही जैसे मैं डॉक्टर हूँ, जब मैं केस टेकिंग लेती हूँ लोगों की तो मुझे उनकी स्टोरीज सुनने मिलती है, तो इनडायरेक्टली मुझे समझता है कि कहाँ पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए. अच्छा, इसने ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए. बहुत बार बहू भी मेरी पेशेंट है, मदर इन लॉ भी मेरी पेशेंट है, बेटा भी मेरा पेशेंट है. मुझे पता है कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, बट वो मैं मेरे नॉर्म्स की वजह से नहीं बोल सकती उन लोगों को. बट एटलीस्ट मुझे सीखने मिल रहा है कि कहाँ पे क्या गलती होती है. अरे ये लोग तो इतनी छोटी सी बात पे ही इनकी पूरी फैमिली खराब हो रही है. आपको समझा? तो आप लोगों के एक्सपीरियंस से ये डूज एंड डोंट्स सीख सकते हो, या तो आप खुद के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो. बहुत बार रिलेशनशिप में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली एक ब्लेम गेम चलता रहता है. अच्छा तूने ऐसा किया, फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैंने नहीं, इसकी वजह से ऐसा हुआ. फिर वो सेकंड पर्सन थर्ड को ब्लेम करता है, इसकी वजह से सब हुआ. वो थर्ड पर्सन क्या करता है, उसके इन्फीरियर कोई होगा एक तो उसको ब्लेम करेगा, या बोलेगा अरे सोसाइटी ही ऐसी, अरे गवर्नमेंट ही ऐसी है, अरे ये ही ऐसा है, अरे वेदर की वजह से ऐसा हो गया. तो कॉन्स्टेंटली देर इज सर्कल ऑफ ब्लेम गेम कंटिन्यूसली गोइंग, जो धीरे धीरे आपकी पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे रिलेशनशिप को पॉइजनस कर रहा है. तो इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? आप सोचिए, हु शुड चेंज टू चेंज अ रिलेशनशिप? आप बोलोगे उसने होना चाहिए क्योंकि मैं तो राइट हूँ. तो एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि हम लोग बहुत सारी मूवीज और सीरियल्स देखते हैं, राइट? उसमें एक हीरो रहता है जो पहले बहुत रिच होता है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है. फिर बट जब उसके साथ जो उसकी लाइफ पार्टनर या गर्लफ्रेंड रहती है वो क्या करती है, वो कॉन्स्टेंटली मनी की वजह से उसके साथ, तो वो क्या करती है उसका साथ छोड़ देती है. और वहीं पे एक हीरोइन आती है ना, तो वो हीरोइन उसको क्या बोलती है, एक्ट्रेस आती है, वो बोलती है वो उसकी लाइफ की सिचुएशंस को भी संभाल लेती है, साथ साथ में उसकी हेल्प भी करती है. तो आप उसको एडमायर करना शुरू करते हो. वही केस अभी आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिए. एक रिलेशनशिप में आप अपनी फैमिली से क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक लव, एक केयर एक्सपेक्ट करते हो. आप सोचिए, आप कॉन्स्टेंटली उनके साथ झगड़ा चालू है, उनके अंदर ही वो लव एंड केयर नहीं है. दे आर बैंकरप्ट इन दैट लव एंड केयर. उनके अंदर वो समझ ही नहीं है लव एंड केयर की, और कॉन्स्टेंटली आप उनसे मांग रहे हो लव एंड केयर. तो आप क्या हो गए? आप अपने घर में विलन हो गए. इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आपको पता है सामने वाले के पास वो समझ ही नहीं है, वो सामने वाले के पास वो लव केयर है ही नहीं. तो इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप खुद को पूछ सकते हो, व्हाट कैन आई गिव टू दिस रिलेशनशिप? इवेंचुअली क्या होगा, यू बिकम द एक्ट्रेस ऑफ योर लाइफ. एक्ट्रेस बनोगे तो क्या होगे, इनडायरेक्टली यू विल गेट एडमायरेशन, यू विल गेट ग्रेटिफिकेशन इनडायरेक्टली. आपकी आजू बाजू की सिचुएशन चेंज हो. तो आपको क्या करना है, यू कैन नॉट चेंज एवरीवन, बट यू कैन चेंज एवरीथिंग बाई चेंजिंग योर सेल्फ. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू. तो आपको क्या करना है, जैसे ये कुछ मैंने जॉट डाउन किए रिलेशनशिप रूल्स, वैसे आप भी अपने रिलेशनशिप रूल्स बनाए. फर्स्ट इसमें है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग किस चीज को, इंटेलेक्ट और प्रायोरिटीज को सामने वाले. देन नॉट एक्सपेक्टिंग. थर्ड इज व्हाट कैन आई गिव. फोर्थ इज अवॉइड क्लैशेस. फिफ्थ इज एडजस्टमेंट एवरीवेयर. एंड सिक्स्थ इज इंटीमेट रिलेशनशिप. अभी फर्स्ट जो मैंने बोला, फर्स्ट एंड सेकंड, अंडरस्टैंड क्या करना है, इंटेलेक्ट और इमोशन को सामने वाले की. जब वो आपसे कुछ रिएक्ट कर रहा है तो आप सोचिए कि वो इंटेलेक्ट से कर रहा है कि वो कोई चीज पे फोकस्ड है, उसका कोई एम्बिशन है फॉर एग्जांपल, पर वो उसके लिए मेहनत कर रहा है. तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है कि वो जब उसमें बिजी है तो वो आपको ग्रांटेड लेके एक सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहा है. वो एक सिचुएशन की वजह से आपके साथ वैसा रिस्पॉन्स दे रहा है. तो अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आती है तो इनडायरेक्टली आपके मन में उसके लिए एंगर इमोशन थोड़ा कम हो जाता है. आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप उसको लेट गो करते हो. वैसे ही अगर आप समझो कोई इमोशंस से वो जा रहा है, कोई टर्बुलेंस से वो जा रहा है, उसके बिजनेस में बहुत स्ट्रेस है, उसके लाइफ में वो लेडी है अगर, तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन जा रही है, उसको बहुत अलग अलग इमोशंस है और इसीलिए वो थोड़ा हाइपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो भी
आप एक अंडरस्टैंडिंग के स्टेट में आ जाओगे और आप वो इमोशन को वैसे ही एक्सेप्ट करोगे, लेट गो करोगे, राइट। तो दो सिचुएशन है, एक तो इंटेलेक्ट की वजह से वो बिहेव कर रहा है या इमोशंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, वो आपके घर पे आता है, बहुत सारा चीजें फैला देता है, खराब करता है, तो आप उसको डांटोगे या आपको उस पर दया आएगी, है ना। बहुत केसेस में आपको उस पर दया आएगी कि बेचारे को इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसा ही आप अपने रिलेशनशिप में क्यों नहीं करते। आप समझिए कि सामने वाला शायद मेंटली रिटार्डेड नहीं है, बट मेंटली कोई और सिचुएशन में है, इसीलिए शायद वो मेरे साथ ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आप वो खुद के इसमें पर्सपेक्टिव में शिफ्ट करते हो, तो अपने आप से आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, आप उस सिचुएशन को वैसा ही एक्सेप्ट करोगे। एक साइकोलॉजी में बहुत अच्छी टेक्निक है, कार्टून स्विच टेक्निक। यानी क्या करते हैं कि बहुत बार, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कार्टून्स अलग अलग वे में बोलते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, टू अम्यूज यू, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत इरिटेटिंग, बहुत नॉइजी पर्सन है या बहुत आपको परेशान कर रहा है, तो उसको आप शिफ्ट कीजिए, उसकी जगह पे वो कार्टून को देखिए, या तो कार्टून का वॉइस सुनिए, या कार्टून जिस तरीके से बिहेव करता है उसको इमेजिन कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली आपको हंसी आएगी या आपका इमोशन शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपका इमोशन शिफ्ट हो गया, तो जैसे मैंने आपको बोला, आपका रिस्पॉन्स शिफ्ट होगा, रिस्पॉन्स शिफ्ट होगा तो आपका आउटकम शिफ्ट हो जाएगा। वही तो हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमको हैप्पीनेस चाहिए। तो आप इस वे से भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मेरे एक मेड का बच्चा था, घर में अलग अलग चीजों को खोल के देखता था, हाथ लगाता था, तो मैं ना कॉन्स्टेंटली उसके पीछे पीछे ऐसा ना को करूँ, ये मत कर, टूट जाएगा, ये हो जाएगा। तो आई वॉज ना ऐसे रूलर लेके टीचर्स के सुपरवाइज करती, वैसे मैं करती। बट जब ये टेक्निक मुझे समझ में आई, तब क्या हुआ कि मुझे समझा कि अगर मैं इसको स्विच करूँ, तो मैं उसको अगर एक कार्टून के फॉर्म में देखूँ, तो उसकी ये जो सारी एक्टिविटीज थी ना, वो मेरे को अम्यूज करने लगी, एंटरटेन करने लगी, मेरा खुद का फियर कम हो गया, मेरा पीस ऑफ माइंड अच्छा हो गया। इनकेस कोई चीज टूटी हुई थी, तो हमारा उतना एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है कि इट्स ओके। तो आपको समझा, अगर आपका इस शिफ्ट से पीस ऑफ माइंड बढ़ता है, तो इससे बेस्ट क्या होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो अपने आप से आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। थर्ड इज, वॉट कैन आई गिव। आप ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप में ये देखिए कि आप क्या दे सकते हो, बिकॉज आप क्या बनना है आपको, आपके एक तो सिचुएशन का हीरो बनना है या तो हीरोइन बनना है। तो अगर वो बनना है, तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं क्या दे सकती हूँ। बहुत बार क्या होता है, बच्चे की नीड क्या होती है पता है क्या, बहुत बार बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं। तो फैक्ट क्या है पता है क्या, अगर आप छोटे बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहोगे ना, तो आप उनको बहुत अच्छा डेवलप कर पाओगे। एक फैक्ट के लिए आपको बताती हूँ, यू गेट अटैच टू होम who have been most stricter to you in your childhood. जैसे मदर है ना, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी मदर मेरे से आज के डेट में बहुत ज्यादा अटैच्ड है, मैं भी उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। बट जबकि वो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी बचपन में, उन्होंने मेरे को बहुत मारा भी है और बहुत रूड भी बिहेव किया है, ताकि मैं कुछ फॉर्म में मोल्ड हो सकूँ, राइट। पॉटर भी वही करता है, आप कोई जैसे मेटल को तपाते हो तो ही आप उसको शेप दे सकते हो। तो अभी आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी चाइल्ड अगर आपके है, तो उसको क्या जरूरत है, आपकी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट हो गए तो भी आप उसको मोल्ड कर पाओगे। मोस्टली मदर को ये रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि फादर इज अ विजिटर टू द रिलेशनशिप, तो वो एक अच्छा पर्सन बनेगा और आप एक बुरे। बट डोंट वरी, इन फ्यूचर यू विल बी हिज बेस्ट फ्रेंड। तो बी स्ट्रिक्ट टू योर चाइल्ड। फिर व्हाट द टीन नीड फ्रॉम यू, टीनेज के एज में ना एक चाइल्ड लाइक ईगो रहता है, कि उनको गुस्सा आता है कोई भी छोटी छोटी बातों के ऊपर, वो चिढ़ जाते हैं, खाना नहीं खाते, रूम में बैठते हैं, तो बट इंटरनली वो मरते रहते हैं कि वो कब आपसे बात करें। बट उनका ईगो, नहीं नहीं अभी मैं गुस्सा हूं तो मुझे छुप भी बैठना है, मुझे गुस्सा ही होना है, आपको समझा, वो ऐसे टाइप में रहते। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप है ना नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से स्टार्ट कीजिए। आप स्माइल कीजिए, आप उनको थोड़ा सा छेड़िए, उनको जो चीज चाहिए वो पहले से बना के रखिए, तो धीरे धीरे आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होता जाएगा। देन अडल्ट में क्या चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बोला, इंटेलेक्ट एंड इमोशंस को उनके आप समझिए। अगर आप वो समझ पाए, तो आपको उनको लेके अंडरस्टैंडिंग में शिफ्ट होगा, आपको उनको लेके एक्सपेक्टेशन में शिफ्ट आ जाएगा। उसके अलावा ओल्ड एज, ओल्ड एज में क्या होता है कि उनकी एक एबिलिटी जो रहती है ना, वो थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है, किस साइड में, चेंज होने के साइड में और एक्सेप्ट करने के साइड में। तो इनडायरेक्टली क्या होते हैं, वो फर्म हो जाते हैं ना, वो चेंज होते हैं ना, वो शिफ्ट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी वो है ना, जैसे आपने बहुत लाउड म्यूजिक लगाया, वो आपको बोलेंगे कम कर, मेरे हिसाब से चल, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही कर। क्यों?
क्योंकि वो अभी एक स्टिक हो गए एक पैटर्न में, वो खुद नहीं चेंज हो पा रहे। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें है कि बेचारे वो शिफ्ट नहीं हो पा रहे। उन्होंने जैसी लाइफ जी है, जैसा पैटर्न में रहे हैं, अभी वो शिफ्ट नहीं हो सकता। तो आपको अगर वो पैटर्न समझ में आता है तो ट्राई टू एक्सेप्ट दैट पैटर्न, और ये स्टेट में कीजिए कि बेचारे वो पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, तो मैं यंग हूँ तो मैं तो कर सकती हूँ। तो आप वैसा करके उनके साथ अगर बॉन्डिंग फॉर्म करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको पता है उनको ज्यादा लव की नीड होती है देन अ चाइल्ड, ओल्ड एज में ज्यादा लव की नीड होती है देन अ चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड को आप लव देते ही हो बिकॉज ही इज डिपेंडेंट अपॉन यू। बट ओल्ड एज में क्या होता है, आपको लगता है अरे इनको तो लाइफ का एक्सपीरियंस है, इनको क्या प्यार देना जरूरी है, ये अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। बट नहीं, उनको वही एज में सबसे ज्यादा प्यार की नीड रहती है। तो ट्राई हैंडलिंग देम विथ अंडरस्टैंडिंग एंड विथ लव, सो दैट इज वॉट यू कैन गिव एट डिफरेंट लेवल्स इन योर लाइफ। फोर्थ वॉज अवॉइड क्लैशेस एंड एडजस्टमेंट एवरीवेयर। आप इमेजिन कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन सामने एक लॉरी आ जाती है। अभी आप राइट रास्ते पे हो, आप रूल्स अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आपकी गाड़ी अच्छी है, तो आपको क्या लगता है कि आपने सीधा ही चलना चाहिए? जैसे रिलेशनशिप में बहुत बार होता है ना कि मैं सही हूँ, मेरा पॉइंट सही है, मैंने एकदम सही बिहेव किया, सामने वाले की गलती है, उसने गलत बिहेव किया, तो आप क्या करोगे? आप सही वही रास्ते पे चलोगे जैसे वो लॉरी आ रही है कि आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओगे? तो अगर आपके सामने इतनी बड़ी लॉरी आ रही है ना, तो आपके दिमाग से सारे है ना अलार्म बजने लग जाएंगे और आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा शिफ्ट कर दोगे। अगर आपने शिफ्ट नहीं किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो सेम पैटर्न इन रिलेशनशिप, भले आप सही हो, भले आपकी सारी बातें सही है, भले आपकी पॉइंट्स राइट हो, भले गलती सामने वाले की हो, बट अगर आपको ये अवॉइड करना है तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो बोलोगे ठीक है एक टाइम कर सकते, बार बार नहीं कर सकते, तो आप सोचिए कि सेकेंड लॉरी आ गई तो आप क्या करोगे? अब वही रोड पे चलते रहोगे कि खुद को वापस से शिफ्ट कर लोगे? सो इमेजिन एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ एज दिस ट्रक। अगर आप ट्रक के जैसा उसको इमेजिन करोगे तो जब आप एडजस्ट करोगे ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि आपने खुद को सेव कर लिया। आपकी कार में जो लोग बैठे हैं, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं, आपकी वाइब्स जिसको जाती है, आपका एनवायरनमेंट, आपका घर पीसफुल रहा, तो आपको अगर वो पीस ऑफ माइंड चाहिए तो ट्राई अवॉइडिंग क्लैशेस एंड एडजस्ट एवरीवेयर। सिक्स्थ इज इंटीमेट रिलेशनशिप। जब आप ये फाइव को ट्रैवल करते हो ना, तो इनडायरेक्टली यू गो इनटू इंटीमेट रिलेशनशिप। फिर भी क्या होता है, बहुत बार जब पेशेंट्स की वजह से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट्स है ना, मेल हो या फीमेल, दे ट्राई सेटलिंग देयर इमोशंस। वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वो इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है कि एक के बाद सेम सामने वाला पर्सन रिएक्ट करता है, तो इमोशन पाइल अप होते हैं और एक दिन वो स्प्रिंग के जैसे बाहर निकलते हैं और सब कुछ सामने वाले को बोलना शुरू होते हैं। बट वो टाइम पे आप सोचिए, जब आपको फर्स्ट टाइम हर्ट हुआ आपने वो अंदर रख लिया, सेकेंड टाइम हर्ट हुआ आपने वो अंदर रख लिया, और जब आप फिफ्थ टाइम एक्सप्रेस करते हो और सामने वाले को क्या लगता है, अरे सिचुएशन तो इतना ही था, ये तो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उनको क्या पता है कि आपने इतने टाइम तक अंदर रखा है। कभी कभी पेशेंट आके बोलते कि है ना 6 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था, या 3 ईयर्स पहले उसने ऐसी बात मेरे से की थी। आपको समझो, आपने इतना कुछ अंदर रखा है, तो वो सामने वाले को थोड़ी पता है कि आपने ये अंदर रखा है। इसीलिए जब आप रिएक्ट करते हो ना, तो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते कि इसने क्यों ऐसा रिएक्ट किया। तो इससे अच्छा सोल्यूशन क्या है, ट्राई टू एक्सप्रेस, डोंट सप्रेस योर इमोशन, फाइंड अ वे टू एक्सप्रेस इट, राइट टाइम पे राइट वे में चीजों को एक्सप्रेस कीजिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे से बड़े लोग घर में है, उनके ऊपर गुस्सा है, या ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं बोल सकते, हमारा बॉस है। बट फिर भी एक अलग वे ढूंढिए, एक अलग तरीका ढूंढिए, एक अलग टाइम ढूंढिए कि जिसमें आपको सामने वाले को एक्सप्रेस कर सको कि आपको क्या बुरा लगा। आपको समझा, जब आप एक्सप्रेस करोगे ना, तो आप अपने इमोशन को रिलीज करोगे। आप अगर वही मोमेंट पे करोगे तो उसका फायदा क्या होगा, सामने वाले को समझेगा कि इसको क्या पसंद नहीं है, इसके साथ मैंने कैसे बिहेव करना है, उसको भी एडजस्ट होने का मौका दीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हस्बैंड के दिमाग में इतना कुछ चालू है, वाइफ को पता ही नहीं, वो वही गलती बार बार करती ही जाती करती जाती। एक टाइम ऐसे आता है हस्बैंड रिएक्ट कर देता है और रिलेशनशिप खत्म, डिवोर्स हो जाता है। बट अगर आप वही टाइम पे वो गलती को एक्सप्रेस करते थे तो रिलेशनशिप वुड हैव बीन बेटर। सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग एट दैट वेरी मोमेंट, एक अलग वे में, समझाने के मूड में। आपका एंगर जब कम हो जाए तो राइट टाइम देख के, राइट तरीके से, राइट वर्ड्स यूज करके चीजों को एक्सप्रेस कीजिए। भले वो आपसे बड़ा हो, आपका बॉस क्यों ना हो, बट ट्राई एक्सप्रेसिंग योर थिंग्स rather than piling it up।
और वो एक टाइम पे निकल के, तब ना आप एज देखते हो, रिस्पेक्ट देखते हो या औहदा देखते हो, तब तो आप एक्सप्रेस करते हो। तो वो टाइम का वेट करने से अच्छा है आप आज एक्सप्रेस कीजिए, ट्राई एक्सप्रेसिंग, और उससे क्या होगा आपका रिलेशनशिप इंटीमेट होते जाएगा। उसके अलावा एक बुक है 5 Love Languages, आप उसको भी यूज कर सकते हो कि आप किस टाइप से आपका रिलेशनशिप को इंटीमेट करो। जैसे उसमें 5 तरीके दिए, फर्स्ट इज अफर्मेशन, यानी आप उसके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको एक कंफर्मेशन दीजिए कि आई लव यू, आई लाइक यू, राइट, उनके लिए केयर दिखाइए। सेकेंड सर्विस दीजिए, सर्विस यानी क्या, एक चाय का कप बना के देना इज ऑल्सो अ सर्विस, ठीक है। आप ऐसी छोटी छोटी चीजें कीजिए कि जिससे उनको केयर का फीलिंग आएगा। आप अलग अलग सेलिब्रेशंस के मोमेंट्स को याद रखिए, उनके टाइम पे वो मोमेंट पे एक पर्टिकुलर गिफ्ट दीजिए, तो उसके लिए टाइम निकालिए चूज करने के लिए, तो वो आप गिफ्ट देने का तरीका भी एक टाइप का लव लैंग्वेज हो गई, आपकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर लव, राइट। फोर्थ इज टाइम, टाइम सिर्फ ऐसा देना नहीं कि एक जन अलग मोबाइल पे लगा है, दूसरा अलग, वैसा नहीं, एक इंटीमेट, एक क्वालिटी टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को टू मेक इट इंटीमेट। टच, किसी का टच एक लव लैंग्वेज होता है, यानी कि अगर आप हैंड होल्ड करते हो तो भी टच है, कोई बूढ़ा पर्सन है आप उसको उठा के एक जगह दूसरी जगह बैठाते हो, तो उनके लिए भी वो एक लैंग्वेज है टू एक्सप्रेस योर लव। तो ये डिफरेंट 5 languages है जिससे आप अपना लव एक्सप्रेस कर सको। आप फाइंड आउट करो सामने वाले की क्या है, और उस वे में अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो आपका इंटीमेट रिलेशनशिप उसके साथ हो जाएगा। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। तो आपको आज के चैलेंज में क्या करना है, फर्स्ट आपको एक लेटर लिखना है उन लोगों के लिए, उन फिशेस के लिए आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको आगे पुल डाउन किया। एक बार आप जब वो लेटर लिखते हो उसमें आप सब कुछ इन्वॉल्व कीजिए, जो भी आपको याद है, जो उनको एक फीलिंग ऑफ लव, एक ग्रैटिट्यूड दे सकता है, हाँ, वो सब कुछ एक्सप्रेस कीजिए वो लेटर में। जब आप लिख लेते हो तो आपको सेकेंड टास्क करना है, उनको कॉल करना है और आपको वो लेटर उनके लिए रीड करना है। जो आपको एक्सपीरियंस ग्रैटिट्यूड देने से मिलेगा उसको आपको ग्रुप में डालना है कि आपको कैसा लगा। आप लेटर के साथ भी उसको पोस्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल भी पोस्ट कर सकते हो। देखो, किसी ने आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया वो फीलिंग आपको पता है, बट आप जब किसी को ग्रैटिट्यूड देते हो तो वो फीलिंग उसको कैसा लगता है, दैट इज न्यू टू यू, तो वो एक्सपीरियंस को शेयर करना। थर्ड इज कॉल कीजिए और वो लोगों से रिजॉल्व कीजिए जिनको आप हेट करते हो, जिनके बारे में आपके मन में बहुत हेट्रेड एंगर है, तो ट्राई रिजॉल्विंग दैट रिलेशनशिप। अगर ऐसा लगता है कि उनसे बात नहीं हो सकती है तो मिरर के सामने उनको इमेजिन करके आपके मन की बात बोलिए और उसके बाद आपको हीलिंग करनी है। फिर उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, आपको एक हार्ड बनाना है जिसके ऊपर आपको ऐसे लोगों की इमेजेस लगानी है जिनको आपको हील भी करना है, सेकेंडली जिनके साथ आपको रिलेशनशिप हील करना है, फिर वो लोग हो, पैसे हो, आपका वर्क हो, आपका हेल्थ हो, कुछ भी। तो एक ही हार्ट बना के आपको वो करना है और सुबह उठ के वो पहली बात तो वो हार्ट का इमेज आपको ग्रुप में पोस्ट करना है कि आपने कैसा बनाया है। उसके बाद सुबह उठ के आपको एक मोमेंट निकालना है, मोमेंट टू फील वो जो 4 स्टेटमेंट आपने लिखे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 स्टेटमेंट को आपको बस बोलना नहीं है, आपको फील करना है टू द डिवाइन और लास्ट में थैंक यू आई लव यू बोल के उसको न्यूट्रलाइज करना है। थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग ऑल दिस। ये जब आप करते हो ना तो इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा, जो आपको धीरे धीरे आपके गोल्स में, आपकी लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो मैंने डूज एंड डोंट्स बोले वो भी आप ले सकते हो। उसके अलावा आपकी एक्सपीरियंस से, आपकी वाइजनेस से आपको जो लगते हैं ना, वो डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बनाइए और हो सके तो उनको आपके डेस्क पे या तो आपके फ्रिज के ऊपर स्टिक कीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो दिस इज चैलेंज 7। एक ग्रैटिट्यूड लेटर को आपको पोस्ट करना है, आपके एक्सपीरियंस को पोस्ट करना है, उसको एक्सप्रेस करने के बाद आपको किसने हर्ट किया है तो उसको कॉल करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मिरर वर्क करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ओपन ओपनों का हार्ट का एक फोटोग्राफ आपको पोस्ट करना है। उसके अलावा आपको वो डूज एंड डोंट्स की आपकी लिस्ट, आपने कहाँ पे स्टिक की है उसको आपको पोस्ट करना है। तो ये सारे चैलेंजेस की एक्टिविटीज के इमेजेस को आप पोस्ट कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि आपने चैलेंज किया है। और प्लीज आपके एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ये चैलेंज आपको एक डीप हीलिंग देने वाला है। तो रियली डू दिस चैलेंज, आपको आपके लाइफ के जो हमने व्हील ऑफ लाइफ में आपको 7 aspects दिए थे ना, आपको हर aspect में चेंज नजर आएगा बाय जस्ट डूइंग दिस चैलेंज। तो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डू दिस चैलेंज विद ऑल योर कमिटमेंट एंड ऑल योर डेडिकेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, पे योर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड योर रिलेशनशिप टूडे, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।